अनबिलीवेबल जस्ट लुक एट दिस ज़बरदस्ती बिरयानी जो कि देखने में जितनी मज़ेदार है। और ये देखिए चिकन का पीस भी ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है, नो डाउट इसमें कौन सी नई बात है, सबका ही गल जाता है सारी बिरयानी का। आप कब दीज को दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी तहमीना अज़ीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल किचन विद तहमीना। आज हमारे किचन में बनने जा रही है ज़बरदस्ती खतरी बिरयानी जो कि टोटली डिफरेंट है, टेस्ट में इंतहा से ज़्यादा मज़ेदार है। पहले ही मैं कह रही हूँ टोटली रिकमेंडेड है। तो चलिए जी बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और एवरीवन ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया, मुझे लेस ऑयली बिरयानी पसंद है, आप चाहें तो पूरा एक कप ले सकते हैं, ठीक है जी। या पौना कप कर लीजिए। मीडियम फ्लेम ऑन कर दीजिए। सबसे पहले इसमें मैं 2 टेबल स्पून शामिल करने जा रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जनाब आप हैरान हो रहे होंगे कि पहले तहमीना ने जो है वो प्याज क्यों नहीं शामिल की, ये प्याज के बगैर है बिरयानी, बिल्कुल लास्ट में मैं शामिल करूँगी, ठीक है। आपकी मौजें हैं, इसको 1 मिनट आप भुनाई करें, ठीक है जी। क्योंकि यूजुअली होता है कि जी बिरयानी बना रहे हैं तो प्याज तुम करो तो तुम करो, लड़ाइयाँ हो जाती हैं नंद भाभी में और देवरानी जेठानी में, तो ये प्याज के बगैर हैं। शामिल करने जा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हाफ के जी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। और इसकी आप भुनाई करिए जब तक ये चिकन जो है अपना रंग नहीं बदल लेता। और राइट पीपल, चिकन ने अपना रंग बदल लिया है, जैसे रिश्तेदार काम आने पर बदल देते हैं। इसका मतलब ये है इसने बहुत अच्छा किया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिली फ्लेक्स चले जाएगी ये 1/2 टीस्पून। हल्दी चले जाएगी बिल्कुल 2-3 चुटकी। काली मिर्च चले जाएगी 1/3 टीस्पून। गरम मसाला चले जाएगा इसमें 1/3 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा है ये 1 टीस्पून, इसे भी शामिल कर दीजिए। यह टिक्का मसाला, इसे शामिल करिए आप 1 टीस्पून। बिरयानी में आप थोड़ा सा टिक्का मसाला किसी दिन मेरे कहने पे शामिल करके देखिए, इस कदर एक देगी देगी सा फ्लेवर और डिफरेंट सा आना शुरू हो जाता है। मतलब क्वांटिटी इसकी कम रखें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। 2 ये आप देखते हैं बादियान के फूल हैं, ठीक है जी। ये देखिए थोड़ा सा ये जावैतरी है, जायफल है, सॉरी नॉट जावैतरी, जावैतरी जायफल कुछ है इसके, मेरे बड़ा मुश्किल नाम रखा है इसका। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये है तेज़पत्ता छोटा सा, इसको तोड़ के इसमें शामिल कर दीजिए। ये है हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है जी। और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स करें। माई गुडनेस, देखने में ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको अच्छी तरह से आप इसकी भुनाई करिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक करें। और जैसे अगर आपको महसूस हो कि ये थोड़ा सा नीचे लग रहा है, थोड़ा सा 2-2 टेबल स्पून पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबूएं आ रही हैं और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से, माशाल्लाह से ये भुन चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप तेज़ आंच में, मीडियम से तेज़ आंच पे पकाते हैं, तो चिकन जो है ये मैं आपको बताऊँ 50% इसी में गल चुका है, तेज़ आंच का ये एक फ़ायदा होता है। अच्छा, अब ये मेरे पास है टमाटर, ये तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के थे जो मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिए हैं, इनको शामिल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें प्याज नहीं डाल रही मैं, इसलिए टमाटर जो हैं वो ज़्यादा डालेंगे। इसकी 1 मिनट आप भुनाई करिए, ठीक है जी। ये है 1 प्याली दही फेंटा हुआ अच्छी तरह से, इसको आप शामिल कर लीजिए। ये इसमें चले जाएगा तकरीबन 1/2 प्याली है ये पुदीना, ठीक है जी। और ये आप जैसे इतना आप हरा धनिया भी इसमें शामिल कर लीजिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स करिए, 1 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करिए, ठीक है जी। और इसमें माशाल्लाह से खुशखबरी की बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई बिरयानी मसाला, शान या नेशनल का नहीं डाल रही, वो आपकी बचत हो रही है। चलिए जी, अब इसको आप कवर कर दीजिए, फ्लेम कर दीजिए लो। माशाल्लाह मुझको चिकन पे पूरा एतमाद है, ये तकरीबन अब 60% गल चुका है। मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ रही हूँ। अगर जो आपका चिकन जो है वो थोड़ा टाइम आपको लगे कि अभी नहीं गला, तो आप 10 मिनट भी रख सकते हैं। तो चलो जी, 5 मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं।
कॉफी पर 5 मिनट हो चुके हैं और ट्रस्ट मी पीपल, इस कदर जबरदस्ती खुशबुएं आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुल जा सिम सिम, वाह सुभान अल्लाह जी, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा से कह रही हूँ, टोटली रिकमेंडेड है। ये देखिए, ठीक है जी, अब आपने ऐसा करना है कि मैंने 50% चावल जो है बॉईल कर लिए थे, बासमती भिगो के जैसे यूजुअली किए जाते हैं वो, बता के मैं आपको कीमती वक्त इस कॉम का ज़ाया नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत से लोगों ने ट्रोलिंग करनी होती है लोगों को, सेलेब्रिटीज़ को, बहुत से लोगों ने अच्छे काम भी करने होते हैं। अब इसमें मैंने 1/2 kg चावलों की लगा दी है लेयर, ये आप देख सकते हैं, खिले खिले निखरे निखरे 50% गले हुए चावल हैं ये। अच्छा जी, अब इसके ऊपर ठीक ठाक पुदीना शामिल करिए, ठीक ठाक हरा धनिया धुला साफ़ सुथरा शफाफ शामिल करिए, ये फ्राइड प्याज हैं, ये एक वीडियो मैंने ले ली थी, ठीक है, और ये फ्राइज़ हैं, ये टोटली ऑप्शनल हैं, इसको शामिल करें, फ्राइज़ चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये है फूड कलर, थोड़ा सा पानी में डाल के को भी इसमें शामिल करिए और इसको जनाब कर दीजिए इसको कर दीजिए, जज्बाती होगी मैं, 20 मिनट का दम दे दें लो फ्लेम में। तो चलिए जी, 20 मिनट का हम इंतज़ार कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, जस्ट लुक एट दिस पीपल, ये निखरे निखरे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी टाइमिंग की ज़बरदस्त है ये मेरी मक्खी, किधर गई, ये देखा ना, उसको पता चल गया है, दम लग चुका है, सारा काम हो चुका है, अब मैं रंग में भंग डालूं, इसको पता चल चुका है। प्लीज़ मुझको कोई बता दें मच्छर मार और मक्खी मार स्प्रे के बारे में बता दें, जो मैं करूँ इससे मेरी जान छूट गई, देखा ना आपने। चलिए, इसको अब एक ज़बरदस्त तरीके से मैं कर लेती हूँ डिश आउट। पीपल, जस्ट लुक एट दिस जबरदस्ती बिरयानी, जो कि देखने में जितनी मज़ेदार है, मैं कोई ये आपको 50वीं दफ़ा बताने वाली हूँ कि ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, आप इसे ट्राई करिएगा। और ये देखिए, चिकन का पीस भी ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है, नो डाउट, इसमें कौन सी नई बात है, सबका ही गल जाता है सारी बिरयानी का। तो ये डिफरेंट सी बिरयानी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला पप्पू चची नानी दादी सब का शेयर कर दीजिए, और इस रेसिपी को इतना शेयर करिए कि यूट्यूब का जो अल्गोरिथम बोला गूंगा बहरा और जो पाकिस्तानी के खिलाफ साजिश कर रहा, अमरीका है ना साजिश करता है, कि ये इतना ज़बरदस्त खाने बनाती है और इतना लोग इसको पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ी सी वीडियो दाएँ बाएँ भेजूँ ताकि लोगों को इसका पता चले कुछ नहीं कर रहा, तो अब हमें ही कुछ मिलजुल के करना पड़ेगा, ये तो अमेरिका से तो हमें कोई उम्मीदें वैसे भी नहीं है, सच में बताऊँ तो। आप फिर कर दें इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।